राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन क्या है बताना। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन कौन शो करता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी और टर्शरी शो नहीं करते। ओके, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ हीट करते हैं उसको? CHCl3 और KOH के साथ उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। बनता क्या, यहां रिएक्शन दिया देखो, दिस इज प्राइमरी अमाइन। किसके साथ ट्रीट किया? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। क्या बन गया? NC आइसो साइनाइड बन गया। आइसो साइनाइड को कार्बाइलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आइसो साइनाइड बन जाते हैं, NH2 का NC बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या है? प्राइमरी अमाइन। प्रोडक्ट क्या है? आइसो साइनाइड। ये H2 हट जाते हैं, यहाँ C आ जाता है, NC हो जाता है। समझ आ गई बात? ये जो होते हैं ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी स्मेल बहुत खराब होती है, बैड स्मेल होती है इनकी। तो इसलिए जब ये रिएक्शन होती है तो आपको बहुत बैड स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये प्राइमरी अमाइन था। ये टेस्ट है प्राइमरी अमाइन्स का। आपने क्लोरोफॉर्म और KOH का अल्कोहलिक सोल्यूशन डाला किसी कंटेनर में, अगर आपको फाउल स्मेल आई तो समझ जाना प्राइमरी अमाइन था। क्लियर? कौन से में दोबारा बता दो कि क्या फाउल स्मेल मतलब खराब स्मेल होती है बस, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट शो नहीं करते। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बाइलामाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। देख रहे हो, प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH बन गया, आइसोसाइनाइड KCl और वाटर। इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे होता है। ये रिमर टिमर रिएक्शन में भी आया था ये रीजन। तो KOH में OH नेगेटिव होगा और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा ये। तो फिर क्या होगा? ये इधर H प्लस ले लेगा, इसका H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कार्बन को, और Cl माइनस बाहर। तो ये बन जाएगा C C Cl Cl डाइक्लोरो कार्बिन बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये बन जाएगा डाइक्लोरो कार्बिन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ अटैक मारेगा? RnH2, RnH2 है ना, नाइट्रोजन इसको अपना लोन पे डोनेट कर देगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल था। समझ में आ रही है बात? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, नाइट्रोजन इसको अटैक मार देगा तो क्या बन जाएगा? RnHHCCLCL। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात है? अब यहाँ से 2 HCl बाहर कर दो बस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये Cl बाहर। क्या बन गया? RnH(CCl)। ये लोन पे तो ऐसे कैसे ही है नेगेटिव। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बताओ? फिर से HCl बाहर कर दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही है बाहर, HCl फिर से बाहर कर दिया, तो RN, ठीक है बातें। और चार्ज तो रहेगा ही, ठीक है। NC बन, सिंपल है, अटैक मार के 2 बार HCl बाहर कर दो बस, सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। तो NH2 से NC बन गया ना, कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया कार्बाइलामाइन रिएक्शन क्या है? ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और KOH के सोल्यूशन के साथ। तो NH2 हट के NC, H2 हट के C आ जाता है वहां पे, ठीक है। ये टेस्ट है प्राइमरी अमाइन का। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते। फिर देखो, गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन। तो CH3NH2 क्या है? मिथाइल अमाइन है, और डाइमिथाइल अमाइन क्या है? ये है डाइमिथाइल अमाइन। इनको डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट पूछा कि कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो ये प्राइमरी अमाइन है तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, ये सेकेंडरी अमाइन है तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देगा, सिंपल। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देखो, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स
ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसो साइनाइड, इसको कार्बाइल माइन भी बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी माइनिंग रिएक्शन शो नहीं करते, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है। मिथाइल अमाइन एक प्राइमरी अमाइन है तो ये टेस्ट देगा, डाई मिथाइल अमाइन एक सेकेंडरी अमाइन है तो ये टेस्ट नहीं देगा, यहाँ रिएक्शन शो करी हुई है, मिथाइल अमाइन ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है बात। अगला क्या है, किसको डिस्टिंग्विश करना है, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है। तो एनिलीन क्या है, एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है, देखो अमाइन एरोमेटिक भी हो सकता है, वो टेस्ट देगा कार्बाइल अमाइन, एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है। एन मिथाइल एनिलीन क्या है, NH2 का एक एच हटा के एक मिथाइल लगा दो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, तो वो सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को हम कार्बाइल अमाइन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है जो कि फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनाएगा ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। फिर देखो ये पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या है, एनिलीन है एक प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक के वजह क्या होगा, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो जाएगा, NH2 से NC बन जाएगा, है ना, हो जाएगा रिएक्शन ये, ठीक है ना। अल्कोहलिक के वजह के साथ इसको ट्रीट करके क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन NH2 से NC बन गया, फिनाइल आइसो साइनाइड।